नमस्कार दोस्तों, आज हम श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय दो के बारे में चर्चा करेंगे। आज श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय दो का नाम है सांख्य योग, जिसमें श्लोक नंबर 1, 2, 3, 4, 5 पर आज हम चर्चा करेंगे। संजय उवाच, तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्णा क्लेशनम विशितंतमयिदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। यह श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय दो के श्लोक नंबर 1 से लिया गया है। इस श्लोक में अर्जुन की मानसिक स्थिति का वर्णन किया गया है। युद्ध भूमि पर अपने परिजनों, गुरुजनों और मित्रों को देखकर अर्जुन का दिल करुणा से भर जाता है। उसके मन में विचार आने लगते हैं कि वह इन लोगों के खिलाफ कैसे युद्ध कर सकता है। उसके मन में संदेह पैदा हो जाता है, वह अत्यंत दुखी हो जाता है और उसकी आँखें करुणा से भर जाती हैं। यह वही समय था जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की यह स्थिति देखकर उसको मार्गदर्शन देने के लिए तैयार होते हैं। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि जीवन में जब भी हम कठिन परिस्थिति में हों या हमें अपने कर्तव्य के प्रति संदेह हो, तब हमें किसी मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है जो कि हमें सही मार्ग दिखा सके। कृत्स्तुवा कस्मलमिदं विस्मे उपस्थितं अनार्य जुष्टं सरोगयं कृतिकरं अर्जुन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ऐसी युद्ध की स्थिति में यह मोह तुम्हारे पास कैसे आ गया? यह तुम्हारे लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। तुम्हारा यह आचरण एक योद्धा के योग्य नहीं है। तुम्हें हर परिस्थिति में अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तुम्हारा यह आचरण न तो स्वर्ग की प्राप्ति के लिए सहायक है और न ही इसमें यश की प्राप्ति होगी। यह श्लोक हमें यह सीख देता है कि हमें हर स्थिति में अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और मोह माया के भ्रम के कारण मार्ग से नहीं भटकना चाहिए। क्लेवई मा सम गम पार्थ न तत्युपाथ्यते शूद्र हृदया दौर्बल्यम तत्यो विनिष्ठा प्रत्यम। अर्थात युद्ध के दौरान अर्जुन कायरता के कारण युद्ध को अधर्म मान रहे थे और युद्ध न करने को धर्म। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कायरता को छोड़कर खड़े होने को कहते हैं। हे पार्थ, कायर मत बनो, यह तुम्हारे लायक नहीं है। अपने मन की दुर्बलता को छोड़कर खड़े हो जाओ। तुम जो मानते हो कि मैं धर्मात्मा हूँ जो युद्ध करके पाप नहीं करना चाहता, यह सब तुम्हारे हृदय को कमजोर और मन को दुर्बल कर देगा। मन की दुर्बलता को दूर भगाओ। अर्जुन उवाच, कथम भीष्म संख्ये द्रोणम च मधुसूदन यशु भी प्रतियोत्स्यामी पूजा हाव वरिसुदन। इस श्लोक में अर्जुन की आंतरिक भावना और उनके मन के संघर्ष को दिखाया गया है, जहाँ वे धर्म और रिश्तों के बीच में उलझे हुए हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं कि अपने गुरुओं और परिवार के सदस्यों के खिलाफ युद्ध करना उनके लिए कठिन है, वे दोनों ही पूजनीय हैं। गुरुन हत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तुम बैक्सर मदीय लोके हत्वार्थ कामान मस्तु गुरु नि है गुंजिया भोगन रुधिरा प्राधिकाना। इस संसार में महानुभाव गुरुजनों को न मार कर भिक्षा मांग कर जीना मेरे लिए बेहतर होगा, लेकिन यदि मैं उन्हें मारकर इस संसार का धन और ऐश्वर्य प्राप्त करूं, तो वह भी उनके खून से सना होगा, अर्थात यह नैतिक रूप से सही नहीं होगा। गीता ज्ञान में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।